हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेता पार्क नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं कंगारू मदर केयर के बारे में बताऊंगी कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं और साथ में कंगारू मदर केयर का प्रोसीजर को भी डेमोन्स्ट्रेट कर बताऊंगी। तो KMC इट इज़ द स्पेशल वे ऑफ प्रोवाइडिंग केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। तो जो भी प्री टर्म्स बेबी होते हैं उनका वेट नॉर्मल से कम होता है, वेट लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, तो उनको KMC के द्वारा उनका वेट को गेन किया जाता है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और भी प्रोमोट किया जाता है बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो जो भी कंगारू मदर केयर में मेनली क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू बेबी जो प्रीटर्म्स बेबी हैं, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, उनके वेट को रिगेन किया जाता है, ठीक है। तो इट आल्सो प्रोमोट्स देयर हेल्थ एंड वेलिंग बाय इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। तो ये जो KMC है वे उनके हेल्थ को, उनके वेलिंग को प्रोमोट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग, बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ मदर एंड बेबी। तो साथ में मैं इसका जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव्स है KMC का, दैट इज़ टू प्रोवाइड इफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ टू कंट्रोल, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम थर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूटर्म्स बेबी, प्रीटर्म्स बेबीज। नाउ इट्स बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर स्टिमुलेट्स ऑल द 5 सेंसेस ऑफ द बेबी बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। टच सेंसेस इम्प्रूव्स बाय स्मेलिंग ऑफ मदर ऑडर्स, इट्स ऑल्फैक्टरी सेंसेस इम्प्रूव्स बाय ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट इम्प्रूव्स बाय कॉन्टैक्ट ऑफ मदर आइज, इट्स विजन इम्प्रूव्स एंड बाय हियरिंग ऑफ मदर्स हार्ट बीट, मदर साउंड, इट्स हियरिंग सेंसेस विल इम्प्रूव्स। तो इन दिस वे 5 सेंसेस विल इम्प्रूव्स बाय KMC। अदर देन दिस, तो वेट गेन, इसके अलावा जो बेनिफिट्स है दैट इज वेट गेन, बेबी का जो वेट गेन होता है KMC के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बेबी का जो वेट गेन होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण हॉस्पिटल में जो स्टे होता है वो उनका कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है हॉस्पिटल का जो भी ड्यूरेशन है हॉस्पिटल स्टे का। साथ साथ जो बॉन्डिंग होता है मदर और बेबी का, इट फैसिलिटेट्स अ ग्रेटर एंड इफिशियंट मदर एंड वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ मदर एंड बेबी जस्ट बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रेस एंड लेस स्ट्रेस, बेबी को लेस स्ट्रेस होता है और मदर भी अच्छा फील करती है जब वो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो प्री टर्म्स बेबीज़ हैं उनको वेट गेन भी स्टार्ट होता है और उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो नाउ मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही हूँ द प्रोसीजर्स ऑफ KMC, कंगारू मदर का एक प्रोसीजर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारे पास एक मदर आई हैं, आइए मिसेस सालू, हैव अ टेक अ सीट प्लीज। तो मिसेस सालू आई हैं, इनका एक बेबी है। तो बेबी ये कितने मंथ में, बेबी कितने मंथ में आपका हुआ है मिसेस सालू बताइए, इनका बेबी है, लोग देख सकते हैं इनका बेबी एक है, कितने मंथ में बेबी ये हुई आपको? 9 मंथ्स में हुई है। तो इसका वेट कम है, वेट कम है, ओ 2.5 kg से कम है, नॉर्मल वेट बेबीज है, बट इसका जो नॉर्मल जेस्टेशन पे हुई है फिर भी इसका वेट कम है, बोल रही है कि 2.5 kg से वेट कम है, अप्रोक्स कितना है, 2 kg, yes.
हाँ, तो 2 kg तक वेट है, तो ऐसे बच्चे को भी जिनका वेट कम है उन्हें भी हम KMC प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रीटर्म्स बेबी होंगी या जिनका वेट कम होगा उनको हम लोग KMC प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको मिसेस शीला, आज आपको सालू, आपको मैं कंगारू देखभाल कैसे किया जाता है बेबी को ये मैं दिखाऊंगी, ठीक है, ये मैं बताऊंगी। तो जो भी सबसे पहले मैं आऊंगी, कोई भी प्रोसीजर से पहले हैंड वॉशिंग इज द मस्ट। तो मैं हैंड वॉशिंग करके बस आ रही हूँ। तो आफ्टर हैंड वॉशिंग अनकवर द बेबी। तो बेबी का जो भी, अगर वो क्लॉथ कोई भी कपड़ा पहने हुए हो, तो बेबी को अगर वो कपड़ा पहने हुए तो उसे कपड़े को हटाना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट बेबी कैप, नैपकिन एंड सॉक्स। तो अगर वो कैप पहने हुए है या नैपकिन लिए हुए हो तो उसे हमें हटाना होगा, ठीक है, सॉरी उसे नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। कैप और नैपकिन को छोड़कर बाकी हम कपड़े को हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मदर कभी जो भी अगर वो गौन साड़ी या पहनी हुई हो तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने के कारण उन्हें हम कपड़े के अंदर बेबी को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम बेबी को प्लेस कर रहे हैं। तो अपराइट पोजीशन में बेबी को मैं प्लेस कर रही हूँ इस कंडीशन में, ठीक है। बेबी को अपराइट पोजीशन में हमेशा प्लेस करना होगा और बेबी का जो लिम्स होगा, पैर और हाथ, वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेबी का जो हेड होगा दैट शुड इन वन, ठीक है, मुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ इसका जो नोज हो वो टच ना करे मदर के चेस्ट से, ताकि क्या होगा उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसके हेड को वन साइड टर्न करते हैं, ठीक है। और हेड और सॉरी उसके लिम्स को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो अपराइट पोजीशन में बेबी को हम लोग इस तरीके से प्लेस करेंगे। उसके बाद में मदर अगर साड़ी पहनी हुई है तो उसे पल्लू से हमें बेबी को क्या करना होगा, एक बार कवर करना होगा, ठीक है। कवर करने के बाद में अगर रूम का टेम्परेचर ठंडा का मौसम है तो रूम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम उन्हें एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, या अगर समर का सीजन है तो हम उन्हें कॉटन का कोई भी ब्लैंकेट, कॉटन का कोई भी चादर भी उसे हम लोग एक एक्स्ट्रा हम लोग कवर कर सकते हैं। तो अभी मैं इन्हें एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट से बेबी और मदर दोनों को कवर कर दे रही हूँ, जिससे कि मदर भी कंफर्टेबल फील करेगी और बेबी का जो टेम्परेचर होगा वो भी ऑप्टिममली क्या होगा, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो कंट्रोल हो पाएगा बेबी का टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके बाद में मिसेस सालू आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, ठीक है। तो घर पे अगर आप सोए हुए रहें तो आप इसे इसी तरीके से लेकर कंगारू मदर के दे सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये गर्मी का सीजन रहे, ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अगर सोई हुई कंडीशन में रहे तो हमें कोई भी एक एक्स्ट्रा स्लिंग या एक्स्ट्रा बैंडेज का ज़रूरत नहीं होगा जिससे बेबी को हम लोग होल्ड करेंगे। लेकिन अगर वो बैठी हुई हो तो बेबी का पोजीशन थोड़ा क्या हो सकता है कि मूव करे बेबी इधर उधर, तो इसलिए हमें एक कपड़ा का या जो भी बाइंडर इसे कर सकते हैं या स्लिंग लेकर उसे बेबी को क्या करना होगा, बाइंड करना होगा, ठीक है। तो अगर स्लीपिंग कंडीशन में हमें कोई भी बाइंडर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेबी मदर बैठी हुई हो तो उस कंडीशन में पहले हमें क्या करना होगा, पहले एक बार बेबी के बॉटम से बेबी को बटक्स को लेते हुए बेबी को हमें इस तरीके से क्या करना होगा, बांध देना होगा, जिससे बेबी का जो पोजीशन हो वो मेंटेन रहे, ठीक है।
उसके बाद में जो भी मैंने बताया आगे का प्रोसीजर वो सेम होगा। अगर एक्स्ट्रा कवर कोई भी चीज़ करना है तो उसे हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊँगी अभी आप लोगों को कि सिटिंग पोजिशन के अलावा समटाइम्स मदर वर्किंग पोजिशन में भी, ठीक है, क्योंकि एक सेशन में मदर को एक टाइम में एक घंटे का मिनिमम KMC प्रोवाइड करना चाहिए, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, और वो हमेशा डे टू डे इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंक्रीज करते समय अगर 10 hours, 8 hours तक में अगर मदर चाहे कि KMC प्रोवाइड करे तो वो काम करते हुए, घर का काम करते हुए भी KMC प्रोवाइड कर सकती है। तो उस कंडीशन में कैसे बेबी को होल्ड करना है, कैसे कंगारू देखभाल कैसे उन्हें होल्ड करना है, इसका भी मैं आज तरीका बताऊंगी। तो अगर मदर कोई भी घर का काम करना चाह रही हैं तो उसे इस तरीके से रैप किया जा सकता है। जो भी कपड़ा हम लोग यूज करेंगे बेबी को होल्ड में रखने के लिए पोजीशन में, कंगारूइंग पोजीशन में, तो उसे हम लोग फिर नेक्स्ट जो इसका एंड होगा कपड़े का उसका एक जो पार्ट होगा दैट वाज अबव द सोल्जर एंड वन बिलो द सोल्जर इन दिस वे। इस तरीके से हमें बेबी को प्लेस करना चाहिए और फाइनली इस तरीके से ये बेबी फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप फ्री हैं? तो देखिए अब मदर फ्री है और वो आसानी से कोई भी हाउस होल्ड काम कर सकती है, ठीक है। तो आप आपने देखा कि जो बेबी है प्रीटर्म्स बेबीज उन्हें हम लोगों को किस तरीके से कंगारू देखभाल KMC हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिसेस आलू आप जब भी KMC प्रोवाइड करें तो एक बार में कोशिश करिए कि पहले तो हॉस्पिटल में जब तक थी तो एक घंटे तक आप दीजिए, उसके बाद में रेगुलर हर दिन उसका टाइम को बढ़ाइए, ठीक है। तो आप मैक्सिमम एक दिन में 24 hours तक कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डायपर चेंजिंग के समय में, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्रीटर्म जो बेबी है उनका वेट गेन बहुत ही जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और उनका हेल्थ भी प्रोमोट होगा, ठीक है, हेल्थ वेल दोनों ठीक होंगे, ठीक है। थैंक्स मिसेस आलू। तो आज का जो KMC प्रोसीजर था दैट इज़ ओवर। तो इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू योर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।